हेलो एवरीवन, मैं सीए सुमित मेहता वापस आ चुका हूं आप सबके लिए आपके फेवरेट टॉपिक आपके फेवरेट सॉफ्टवेयर पर एक और वीडियो लेकर। आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे, आज हम बात करने वाले हैं ओबीएस के बारे में, वो भी ओबीएस की एडवांस चीजों के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं आप ओबीएस से लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं, हाउ टू सेट अप ओबीएस, हाउ टू यूज योर फोन एज अ वेबकैम, हाउ टू सेट अप योर फर्स्ट यूट्यूब लाइव, हाउ टू कनेक्ट योर ओबीएस टू योर यूट्यूब लाइव, या फिर हाउ टू गो लाइव विद ओबीएस। मैंने इसके लिए पहले ही एक वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इस वीडियो को देखने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू चेक दैट आउट। ये वाला वीडियो उस वीडियो का सेकेंड पार्ट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने ओबीएस से ग्रीन स्क्रीन कैसे हटा सकते हैं। देंगे एनेबल ऑडियो को टॉगल करके अब हम अपने फोन से वाईफाई आईपी और ड्रॉइड कैम पोर्ट को डाल देंगे और एक्टिवेट कर देंगे। एंड ये आ गया हमारा कैमरा और ग्रीन स्क्रीन ओबीएस में। अब राइट क्लिक करें ड्रॉइड ऑप्शन ये है, जैसा कि मैं पहले कर रहा था, कि जो हमारी OBS विंडो में दिख रहा है वही हमारे लाइव पर भी दिखेगा। बट व्हाट इफ मैंने गलती से किसी सीन को चेंज कर दिया, या स्क्रीन कैप्चर ऑन कर दिया, या फिर गलत टाइम पर गलत सॉफ्टवेयर पे स्विच कर दिया। तो इसे अवॉइड करने के लिए OBS पर एक फंक्शनैलिटी होती है जिसे हम कहते हैं स्टूडियो मोड। अब स्टूडियो मोड को ऑन करने के लिए बॉटम राइट में स्टूडियो मोड को ऑन कर लीजिए।
और अब आपको दो व्यू फाइंडर्स दिखने लग जाएंगे। अगर आपका लेफ्ट वाला व्यू फाइंडर कहीं से ब्लैक हो भी जाए तो इसमें टेंशन मत लीजिएगा। स्टूडियो मोड में आपका सिर्फ राइट व्यू फाइंडर यानी राइट स्क्रीन पर जो दिख रहा है वही वाला पार्ट लाइव पर दिखेगा, या फिर अगर आप स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वही वाला पार्ट रिकॉर्ड होगा। अगर आप रिकॉर्डिंग या लाइव के बीच में अपने सीन्स चेंज करना चाहते हैं, जैसा कि इस केस में मैं वन नोट से स्विच करूंगा पावर पॉइंट में, तो बस अपने दूसरे सीन को सेलेक्ट करें और स्क्रीन के सेंटर में दिए गए ट्रांजिशन बटन पर क्लिक करें। अगर आप इस ट्रांजिशन को फास्ट या स्लो करना चाहते हैं तो ट्रांजिशन के नीचे दिए गए फेड ऑप्शन के साइड वाले एरो पर क्लिक करें और इसके टाइमिंग को कम या ज्यादा कर दें। याद रखें कि ट्रांजिशन पे क्लिक करे बिना आपका सीन चेंज नहीं होगा, यानी आपकी लाइव स्ट्रीम पर वही दिखता रहेगा जो पहले दिख रहा था। जैसे ही आप ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपकी लाइव स्ट्रीम पर सीन चेंज हो जाएगा और न्यू विंडो शो होने लगेगी। तो आप सोच रहे हैं स्टूडियो मोड का फायदा क्या है? तो अगर आप कोई इंटरव्यू ले रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, या फिर मल्टीपल एंगल्स दिखाना चाहते हैं, या फिर मल्टीपल स्क्रीन्स दिखाना चाहते हैं पढ़ाते टाइम, तो उस केस में ये बहुत काम आएगा। अब आपने OBS से लाइव स्ट्रीम करना तो सीख लिया, पर क्या आप जानते हैं कि OBS के अंदर एक और कमाल का फीचर भी है? इस फीचर का नाम है OBS वर्चुअल कैमरा। जैसा कि आप जानते हैं कि OBS आपको कितनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करता है इन टर्म्स ऑफ आप अपनी स्क्रीन पर क्या दिखाना चाहते हैं। OBS आपको यही सब फंक्शनैलिटी अलाउ करता है अपने कैमरा में भी यूज करने के लिए। तो आप चाहे तो जो भी आप पढ़ा रहे हैं वो अपने ऐप या जूम पर तो टेलीकास्ट कर ही सकते हैं, बल्कि एक ही स्क्रीन में अपने हिसाब से कस्टमाइज करके गूगल मीट और बाकी सोशल मीडिया एप्स पर भी दिखा सकते हैं, क्योंकि OBS अपने कैमरा में लगाएंगे। अब अपने OBS में जाइए और सोर्सेस सेक्शन में प्लस बटन पर क्लिक कीजिए और यहां से वीडियो कैप्चर डिवाइस को सेलेक्ट कर लीजिए। अब वीडियो कैप्चर डिवाइस में आप देख पाएंगे आपका कैमरा शो अप होने लग जाएगा, तो उसे सेलेक्ट कर लें। तो अब अपने कैमरा को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, चाहे तो पूरी स्क्रीन पर या फिर एक कॉर्नर में प्लेस कर दें अपने हिसाब से, जैसे हमने पहले किया था। थाना एकदम इजी। तो आई होप ये वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा हो और पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे बताइए कि आप अगर OBS के बारे में और जानना चाहते हैं, या फिर मुझे बताइए कि आप किस टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्लास प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सब तो फर्स्ट क्लास है।